हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचित एंड आई वेलकम यू टू द स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ चैप्टर सिक्स पॉइंट चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है लिटरली, फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है एक्स वाई जेड इज द 64। आपको इसमें डाटा में डायग्राम नहीं दिया गया है, आपको खुद डायग्राम प्रिपेयर करना है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन भी आप लोग बिना डायग्राम के ही प्रिपेयर करें, मीन्स क्वेश्चन लें उसका डायग्राम खुद प्रिपेयर करने की कोशिश करें, बिकॉज जो एग्जामिनेशन है वहां पे आपको कई बार डायग्राम्स नहीं दिए जाते हैं। नाउ मूव करते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर दिया गया एक एक्स वाई जेड हमारा क्या है, 64 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए हमारा एक लाइन एक्स वाई जेड एंगल है, जो कि हमारा कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का एंगल है। हमने यहां से लिख दिया 64 डिग्री। आगे कहा गया है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी, एक्स वाई लाइन को बढ़ाया गया एक पॉइंट पी तक, ठीक है। तो हमने देखा यहां से, अब आप सोच रहे होंगे सर एक्स वाई लाइन को हमने जो बढ़ाया है पॉइंट पी तक, तो ये पॉइंट इस तरफ बढ़ाना है या फिर इस तरफ, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लाइन को दो तरफ से बढ़ा सकते हैं, या तो इस तरफ बढ़ा सकते हैं या फिर इस तरफ, तो किस तरफ बढ़ाया जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको जिस डिजाइन में नेम लिखा है ना, जिस तरीके से नेम लिखा है, आपको उसी डायरेक्शन में बढ़ाना है। मीन्स आपको दिया गया है एक्स वाई, तो आपको एक्स से वाई की तरफ बढ़ाना है, ना कि वाई से एक्स की तरफ। तो हमारा जो डायग्राम है वो इस तरफ प्रोड्यूस होगा टू द पी। हमारा ये डायग्राम कहां तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, पी तक। नाउ आपको दिया गया है वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, एक लाइन है, कोई रे है वाई क्यू। यहां से हमने एक रे बनाई वाई क्यू, जो क्या करती है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में ब्रेक करना। इस एंगल को ये क्या करती है, टू इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है, और जब टू इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, एक्स। कोई भी एक एंगल हमने अपने मन से माना है एक्स, ठीक है। वैसे तो ये बाइसेक्ट कर रही है, बस हमने इसको नाम दिया हुआ है एक्स। देखो सॉरी, मैंने जल्दी से एक गलती से एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पर हम वेरिएबल एक्स नहीं ले सकते हैं, रीजन क्योंकि जो हमारा फिगर है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही है, तो हमें वेरिएबल के कोई एक अलग से वेरिएबल लेना होगा। तो हम यहाँ से एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है। ये डिग्री का है, ए डिग्री का एंगल माना, और ये भी ए डिग्री का हमने एंगल माना। नाउ निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, हमें क्या पता करना है एक्स वाई क्यू की वैल्यू, मतलब इस पूरे एंगल की वैल्यू, प्लस रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स ऑफ किसका, क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी को छोड़कर जो क्रॉस में सारे एंगल हैं, इन सभी का प्लस हमें पता करना है। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा, बहुत आसान हो गया है। नाउ सॉल्यूशन, देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले एक्स पी एक लाइन है, हम कह सकते हैं ऑन लाइन एक्स पी क्या होगा। एक्स पी जब एक लाइन है तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। तो हम यहां से लिख सकते हैं वी नो डेट एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द लीनियर पेयर। नाउ लीनियर पेयर से हमने रख दिया, अब इसकी वैल्यूज रख लेते हैं जहां जहां जो वैल्यूज कम पड़ रही हैं। तो यहां से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 64 डिग्री प्लस, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर था इसलिए दोनों इक्वल है। हमने इनके इक्वल में क्या माना था, ए डिग्री का एंगल माना था, तो ए डिग्री लिख दिया यहाँ पर। इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, 180 डिग्री। नाउ 64 प्लस 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हम ए की वैल्यू पता कर सकते हैं, 180 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या किया मैंने, 64 प्लस का था, इस तरफ भी जब माइनस में है, 2 मल्टीप्लाई में है, दोनों तरफ हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड में 2 को हटाने के लिए। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो a इक्वल टू इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, देखो इसे माइनस करेंगे तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आ जाएगा 2 5 10 2 8 16 58। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 58। अब हमें जो वैल्यूज पता करनी है, जस्ट बहुत आसान है, हमें पता करना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या है, देखो हमें पता करना है एक्स वाई क्यू ये वाला, तो ये किसके बराबर होगा, 64 प्लस a के। हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू द एक्स वाई जेड प्लस किसके इक्वल होगा, जेड वाई क्यू के। यहां से लिख दिया जेड वाई क्यू, वैल्यूज रख दो, तो इसकी वैल्यू थी 64 डिग्री, इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने 58 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 122 डिग्री,
ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमें पता करना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी. तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो क्यू वाई पी के रिफ्लेक्स के लिए हमें इसके अपोजिट के सारे एंगल प्लस करने हैं. तो क्यू वाई पी ये है, तो इसके लिए हमें किस किस को प्लस करना पड़ेगा, तो हमें प्लस करना पड़ेगा एंगल क्यू वाई जेड को प्लस एक्स वाई जेड को प्लस यहां से चाहिए हमें पी वाई एक्स. ये तीन एंगल हमें प्लस करने पड़ेंगे. प्लस कर दो, यहां से वैल्यू होगी हमारे पास कितना 64 डिग्री, प्लस यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी 58 डिग्री प्लस 180 डिग्री. इन सभी को प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. ये तो गया एक लॉन्ग टर्म सा, लेकिन रिफ्लेक्स का हम एक तरीके से और कर सकते थे. जस्ट क्या करना था हमें, जो रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसी एंगल को माइनस कर देना होता है 360 से. क्या करते हैं, जब रिफ्लेक्स किसी एंगल का पता करते हैं तो उस एंगल की वैल्यू को 360 से माइनस कर देते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी. एंगल क्यू बाई पी की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, ए. ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 58. तो 368 में से 1 माइनस कर देंगे हम 58 को और हमारा आंसर आ जाएगा 302. यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन आसान था. दोबारा से एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं आखिर हमने किया क्या. तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, 64 डिग्री का एक एंगल बनाया. कई जगहों पे आपको एंगल जो है ना इस तरीके से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंज भी आपको मिल सकता है. जब आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है. एक्स वाई जेड आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. यहाँ से मैंने लिखा 64 एक्स वाई जेड. आप जब कॉपीज में देखोगे ना अपनी किसी गाइड में या किसी और हैंडबुक में, तो आपको इस तरीके से देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन वही रहेगा. यहाँ से हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया था पी तक, तो यहाँ से एक्स वाई जेड को प्रोड्यूस कर दिया. यहाँ से एक रे है वाई क्यू, हमारी क्या रे है वाई क्यू, जो कि इसको क्या कर सकती है, बाइसेक्ट करती है. तो बाइसेक्ट करती है तो हमने माना कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, ए डिग्री. नाउ सॉल्यूशन के लिए, तो एक बार लीनियर पेयर लगाया है, दूसरे बार रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. कोई डाउट है तो कमेंट करो मुझे नीचे, कोई भी डाउट आपको अगर आता है तो कमेंट कर सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में.